नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे डिम्स कुकिंग चैनल पर। आज हम शाही मटर मशरूम बनाएंगे जो बहुत ही आसान है और सभी को अच्छी लगती है। इसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले मशरूम जो मैंने पहले से ही धो के रखी हुई है, एक कप मटर, 3 से 4 टमाटर जो काट के रखे हुए हैं, 5 से 6 प्याज जो लंबे कटे हुए हैं, साथ ही में मैंने बादाम लिए हैं, और लहसुन अदरक और हरी मिर्च चाहिए। जिनको तीखा पसंद है वो इसमें हरी मिर्च ज़्यादा भी डाल सकते हैं। सूखे मसालों में हमें चाहिए नमक, लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, जीरा। अब हम मशरूम को अच्छे से साफ़ करेंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए मशरूम, और एक कपड़ा लेंगे और इसको अच्छे से साफ़ करेंगे। अब हम मशरूम को इस तरह काटेंगे। आप देखेंगे कि मैंने इसके टंडल को अलग कर लिया है। अब हम इसकी ऊपरली परत को धीरे धीरे छीलेंगे, और छीलने के बाद हम इसके लंबे लंबे पीस करेंगे। आप देखेंगे कि मैंने इसको अच्छे से छील दिया है। अब मैं एक और आपको छीलकर बताती हूँ। हमने सारे मशरूम को इसी तरह छीलना है। हमने सभी मशरूम को ऊपर से साफ कर लिया है। अब हम इसके अंदर के ब्लैक हिस्से को अच्छे से साफ करेंगे। और इसके लंबे लंबे पीसेस करने हैं। हमने सारी मशरूम को काट लिया है और इसके टंडल को अलग काट लिया है। इसको भी हम मसाले में यूज करेंगे। सब्जी को कैसे जल्दी बनाना होता है इसके लिए मैं बताती हूँ कि एक तरफ हमने पतीला रखना है जिसमें हमने मटर डालने हैं और उसको हमने उबालना है, और दूसरी तरफ हमने कुकर रखना है, उसमें भी हमने पानी डाला हुआ है। हमने उबालने के लिए उसमें मटर डाल दिए हैं और उसको हमने 10 मिनट तक उबालना है और ढक के रख देना है। दूसरी तरफ हमने इसमें मशरूम डालनी है। मशरूम डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसको अच्छे से हिलाएंगे। अब हम कुकर को बंद करेंगे और 5 से 6 सीटी आने तक इसको उबालेंगे। अब हम तड़का लगाने के लिए कढ़ाई रखेंगे और उसमें हम तेल डालेंगे। तेल गर्म होने के बाद हम इसमें सबसे पहले जीरा डालेंगे। जैसे ही जीरा गर्म होगा हम इसमें लहसुन अदरक और हरी मिर्च डालेंगे। इसको हम तेल में अच्छे से भूनेंगे। लाल होने के बाद हम इसमें कटे हुए प्याज डालेंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स करके भूनेंगे। हमने प्याज को सॉफ्ट और पिंक होने तक अच्छे से भूनना है। अब हम चेक करके देखेंगे कि मटर उबल गए हैं। इसके लिए हम इसमें
एक दाना निकाल के देखेंगे कि ये नरम हो गए हैं कि नहीं हो गए। ये अच्छे से नरम हो गए हैं। अब हमने गैस को बंद कर देना है और पतीले को ढक देना है। प्याज सॉफ्ट और पिंक हो गए हैं। अब हम इसमें थोड़ी देर तक टमाटर डालेंगे। टमाटर को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको ढककर थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि टमाटर अच्छे से नरम हो जाएं। थोड़ी देर बाद खोलकर देखेंगे कि टमाटर अच्छे से गल गए हैं। हम इसको अच्छे से हिलाएंगे और थोड़ी देर बाद हम इसमें मशरूम के टंडल डालेंगे। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम मसाले में बादाम डालेंगे। मसाले में हम नमक, मिर्च, हल्दी और गरम मसाला डालेंगे और साथ में इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। सभी मसालों को हमने इसमें अच्छे से मिक्स करना है और इसको 2 मिनट के लिए ढककर रख देना है। अब हम कुकर खोल के देखेंगे कि मशरूम गल गई है। इसके लिए हम इसको पहले चेक करेंगे। चेक करने के लिए हम इसमें से एक मशरूम का टुकड़ा निकाल लेंगे और दबा के देखेंगे कि वह दब रही है। अगर वह दब रही है तो समझो कि हमारी मशरूम गल गई है। थोड़ी देर बाद देखेंगे कि मसाला अच्छे से बन गया है। हम इसको हिलाएंगे और देखेंगे कि सारे मसाले में से साइड में से घी निकलना शुरू हो गया है। अब हम गैस को बंद करेंगे और मसाले को अच्छे से ठंडा होने देंगे। मसाला अच्छे से ठंडा हो गया था। अब हम इसको ग्राइंडर में ग्राइंड करेंगे और इसकी ग्रेवी बनाएंगे। हम मसाले में थोड़ा सा पानी डाल लेंगे ताकि ये ग्रेवी पतली हो जाए। ग्रेवी बनकर तैयार है। हम इसको अलग से बाउल में डालेंगे। अब हम उसी कढ़ाई में इस ग्रेवी को डालेंगे। और 1-2 मिनट के लिए इसको दोबारा अच्छे से भूनेंगे। अब थोड़ी देर बाद हम इसमें मटर डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ ही में हम इसमें उबली हुई मशरूम डालेंगे और मसाले में अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने इन दोनों को अच्छे से 2-3 मिनट के लिए पकाना है।
पकाने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेंगे। आपको इसमें जितनी ग्रेवी रखनी हो आप उस हिसाब से इसमें पानी डाल सकते हैं। पानी की जगह आप दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हम इसको 2 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। हम खोलकर देखेंगे कि हमारी सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। सब्जी खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप इसको परौंठों के साथ भी खा सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।